गाइज एचपी स्मार्ट टैंक 585 प्रिंटर है, ब्रांड न्यू प्रिंटर है एचपी का। ये नया मॉडल है, जैसे पहले पुराने मॉडल थे एचपी स्मार्ट टैंक 515, 516, 580, तो ये 585 है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका प्रिंटर पेपर फीड नहीं कर रहा या पेपर स्टक हो रहा है राइट या लेफ्ट साइड से, तो हमने इसको कैसे ट्रबल शूट करना है, क्या फिक्स करना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है इसको सही करते टाइम, ठीक है। बिकॉज़ ये इस प्रिंटर बहुत सेंसिटिव प्रिंटर है, मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया है ऑलरेडी कि ये प्रिंटर को थोड़ा सा भी राइट लेफ्ट ऐसे करेंगे सारी इंक इसके अंदर गिर जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसको ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं करना, आपने केयरफुली इसको लिफ्ट करके हमने इसको सही करना है आज। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं इसको अभी कमांड दूंगा कॉपी की, इसमें ये प्रिंट अभी मैंने दिया कमांड इसको इन्फॉर्मेशन पेज प्रिंट करने के लिए। ये देखें कि पेपर कैसे इसको स्टक हो रहा है, ये देखें एक साइड से स्टक हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो प्रिंटर है ना, इसकी एक साइड से तो फीड कर रहा है, दूसरी साइड से फीड नहीं कर रहा, इसकी इस साइड में कोई चीज़ अटकी हुई है, ठीक है। ये देख, इस साइड से कोई चीज़ अटक रही है। हमने इसकी जो अटकी हुई चीज़ है वो कैसे निकालनी है, सबसे पहले मैं इसका कमांड कैंसिल करता हूँ। इस प्रिंटर को हम ना राइट और लेफ्ट ऐसे लिफ्ट नहीं कर सकते, इसकी सारी इंक बाहर आ जाती है। तो हम इसको केयरफुली, मैं इसको ऐसे लिफ्ट करूँगा ऊपर तक ताकि ये बिल्कुल स्टेबल रहे। इसके नीचे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें तलहा भाई, ये ना इसके नीचे ना एक ये है, ये इसके नीचे ये होता है वाइट कलर के लॉक हैं दो, इन दोनों लॉक्स को खोलना है हमने, ठीक है। और वो करना है इसको, हमने पकड़ना सीधा ही है क्योंकि अगर इसको वो टेढ़ा करेंगे तो इसकी इंक गिर जाती है, ठीक है। तो ये देखें इसके अंदर ये अटका हुआ है, मतलब ये अपने दूसरे हैंड से ये देखें क्या है इसका, ये जो इधर यानी ये अंदर अंदर वाली साइड में इधर कुछ है। चलिए हम इसको इधर से निकाल लेंगे, इसको जो फंसा हुआ है इसके अंदर, कोई पेन वगैरह है या पेंसिल है, पिन है, पिन है कोई, ठीक है, पिन नीचे चली गई, नीचे चली गई है। ओके, हम इसको वापस रखते हैं नीचे केयरफुली, क्योंकि इस प्रिंटर का बड़ा ये लोचा है कि ये प्रिंटर थोड़ा सा भी टेढ़ा करने से ना, हाँ जी वो प्रिंटर इस साइड पे आ गई है। हम फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम ऐसे निकाल लेंगे, अंदर वाली साइड पे है इधर मैग्नेट, ये इसकी है जी, हाँ जी इसको मैग्नेट भी कैच कर लेगा। ये एक्चुअली हेयर पिन है, हेयर पिन है एक्चुअली। तो मैं इसको बड़ा स्क्रू ड्राइवर लेके हम इसको निकालते हैं क्योंकि इसका मैग्नेट मेरे पास हार्ड मैग्नेट है। ये देखें ये वाली चीज़ थी इसके अंदर, ये बालों के में लगाने वाली सच कोई चीज़ है। तो इसका हमने जो नीचे से खोला था उसको वैसे ही बंद करना है, बिल्कुल सीधा उठा के इसको मैं ऐसे ही इसको ये वाली चीज़ें बंद करनी है। ओके, इसको बंद कर दिया। अभी हम इसको दोबारा वो कमांड देंगे और आप देखेंगे अभी ये पेपर कैसे फीड करता है। पहले जो चीज़ स्टक हो रही थी वो हमने देखी कि ये वाली पिन जो थी वो स्टक हो रही थी, अभी दोबारा कमांड दी है तो देखते हैं अभी इसने पेपर सही फीड किया है, ठीक है गाइस। पर जैसे मैंने आपको बताया इसको राइट और लेफ्ट में टेढ़ा नहीं करना आपने, प्रिंटर भी वर्क कर रहा है, ठीक है जी गाइस। यही थी आज की वीडियो का मकसद बनाने का कि अगर इसका पेपर फीड नहीं हो रहा तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कैसे इसको आपने वो खोलना है नीचे से वेरी केयरफुली, क्या कि उसको राइट और लेफ्ट करेंगे इसकी सारी इंक इसके अंदर फैल जाती है। अगर कोई और क्वेश्चन है इस प्रिंटर के मतलब आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी है तो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।